দিনেশ যাদব জিন্দা। হ্যালো, মঞ্চ পে উপস্থিত আপ হমারে আপকে সবকে চহেতে বিধায়ক শ্রী ওম প্রকাশ শর্মা জি, মঞ্চ পে উপস্থিত আপ সবই ভারতীয় জনতা পার্টি কে বরিষ্ঠ নেতাগণ, স্ত্রী মোর্চা কে পদাধিকারীগণ, और यहां उपस्थित आप सभी बड़ी बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से सादर प्रणाम है। आप लोग काफी समय से यहां इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज मुझे लगता है ऐसा दिन है जिस दिन पूरे हिंदुस्तान को आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की घोषणा की है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतवंशियों के सपना को साकार कर दिया है, उसके लिए दिल से उनको आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। साथ में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये घोषणा की है कि जो ट्रस्ट बनेगा राम मंदिर निर्माण का, उसमें 15 ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से ही रहेगा, इसके लिए उनको भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। भारत माता की, भारत माता की। और साथ में हम सभी लोग आगे देख बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दे दिया है। तो इसके लिए उनके लिए भी एक जोरदार ताली देंगे और उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। ये देश इस बात के लिए ही जाना जाता है, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, कि ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही बौद्ध का है उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। अनेकता में एकता ही इस देश की सबसे बड़ी खासियत है, और इस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। पर आप देखेंगे कि कुछ दिनों से आप दिल्ली में ही देख पा रहे होंगे कि देश विरोधी नारा लगाने वाले ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं हमारे केजरीवाल जी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव भैया हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोग उनका समर्थन करते हैं जो देश विरोधी नारा लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप क्या चाहते हैं, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं आप? तो इस देश की जनता जानती है कि हमारे देश के सम्मान में, हमारे देश के स्वाभिमान में अगर तत्पर है कोई पार्टी तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी वो करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग थोड़ा पीछे हटेंगे तो ये लोग भी देख पाएंगे जी। दूसरा वाला माइक बंद कर दीजिए तो सीटी बंद हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, समाचार में देखा होगा, कुछ दिन पहले तक कश्मीर में हमारे देश के
शान तिरंगा झंडा को आतंकवादी पैर के नीचे कुचल के अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कश्मीर से 370 धारा हटा लिया जाएगा, और जैसे ही आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई लोकसभा के चुनाव में, जब आप लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से 370 धारा हटाया और हमारे देश की शान तिरंगा झंडा को कश्मीर में आसमान की बुलंदी पे फहरा दिया। ऐसी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं आप लोगों से आज ये निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि आप लोगों ने तो ऐसे समय में जब पूरी दिल्ली केजरीवाल जी के झूठ में फंस चुकी थी, आप लोग तब भी नहीं फंसे थे, और हमारे ओपी शर्मा जी को भारी मतों से आप लोगों ने विजयी बनाया था, दो बार से आप लोगों ने जिताया था, तो इस बार फिर से दिल्ली के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप 8 तारीख को कमल के निशान का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी को। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ भोजपुरी किसको किसको आती है? सबको। अच्छा, सबके हवाले बाबा, सब जिला जवाहर के लोग भाई यहाँ? तो जब सब यूपीए बिहार और पूर्वांचल के लोग यहाँ उपस्थित बा, तो फिर ज्यादा कहे की जरूरत नहीं, क्यों तू ये लाइन में काम हो जाए, दुए लाइन ही बा भैया लोग, बहनी लोग, कि जहां रहा लोग आपन सरकार बना के रहा लोग, और उकर कारण ही हा कि भोजपुरिया लोगन के थोड़ा मिजाज अलग होला। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शावाला, निरहुआ रिक्शावाला, जेना गरीब संग करे इंसाफ हो, ये भैया रही ने हम करा खिलाफ हो, तो चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए, नहीं बढ़ल कदम पीछू लाला, निरहुआ रिक्शावाला, निरहुआ रिक्शावाला। भैया हो बहनी हो, जितना प्यार आप लोग अपने निरहुआ रिक्शा वाला से करेला, निरहुआ रिक्शा वाला उतने प्यार आप लोग से करेला और उतने प्यार अपने देश से भी करेला। तो देश के हित में आप सबके फैसला लेवे के बाद, दिल्ली के भविष्य खातिर फैसला लेवे के बाद, कहे कि केजरीवाल जी जितना वादा करके और सत्ता में आई रहे, उकरे पहले कांग्रेस और उकरे बाद आप इतने पार्टी, आप लोगों के खाली लूटे का काम कैलस, चाहे वो पानी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, पर्यावरण का समस्या है, परिवहन का समस्या है, हर वादा में केजरीवाल जी फेल हो गए। लेकिन जौन वादा आप लोग से अमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहले हो, जहां झुकी वही नखा, तही हवा हवाई वादा ना, ही नरेंद्र मोदी जी का वादा है। और नरेंद्र मोदी जी जोन कहला तो करेला, डरावे ना केहू से कि आई फैसला लेते आई नाराज हो जाइए, हाउ फैसला लेते हाउ नाराज हो जाइए, नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, एकरे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के बदले का काम कर रहा है, और अब
समय आ गई दिल्ली के बदले का। तो दिल्ली के बदले खातिर के आप सब लोग एकजुट हो जा भैया। इमत सोचिया लोग कि हम छपरा कहें, हम बलिया कहें, हम गाजीपुर कहें, हम बनारस कहें, पूरा यूपी बिहार पूर्वांचल के जितना यहाँ भाई बहन लोग हुआ सब इकट्ठा हो जा अपने देश खातिर। लोग कहला कि ये लोग राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्यों ना करें, क्यों ना करें राष्ट्रवाद की राजनीति। क्या राष्ट्र से बढ़ के कुछ होता है? आप लोग बताइए, देश से बढ़ के कुछ होता है? बताइए, आप सभी लोग जिस तरह से आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे ही जब मैं छोटा था, बच्चा था, स्कूल से आ रहा था, ऐसे ही एक चुनावी कार्यक्रम चल रहा था, मैं सामने खड़ा हो गया, जैसे ये हमारे प्यारे भाई बहन खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। तो मैंने बचपन में ही वो कार्यक्रम देखा जिसमें एक नेताजी भाषण कर रहे थे कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बचपन में ही वो बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने ठान लिया था बचपन में ही कि जहां भी रहूंगा, जो भी काम करूंगा, चाहे खेती करूं, किसानी करूं, नौकरी करूं, चाहे हीरो बनूं, जो भी करूं, लेकिन हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। और उसका कारण क्या है आप सब जानते हैं कि देशभक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है, देशभक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है, मोदी जी के साथ खड़ा है निरहुआ हिंदुस्तानी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, आप लोग भी एकजुट होकर के श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए। सही समय है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाइए ताकि देश विरोधी ताकतों को जवाब दिया जा सके। और इसके लिए आप सभी लोग 8 तारीख को जब बूथ पे जाइएगा, भैया याद रखिएगा, कमल के निशान का बटन दबाकर बैलेट नंबर 1 पे हमारे ओपी शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना ध्यान से सुना, भैया सिपाही वाला गाना है वो, गाना भैया जी जी सिपाही वाला, हाँ हाँ सब गाना सुना देते हैं। सुना तो लोग जितना गाना सुने गया हम यही आके सुनाई, लेकिन पहले इनके जितावा लोग, जब जिता दे वाले ओकरे बाद अभिनंदन करे खातिर हम अकेला ना आई, साथे में अपने सपना की रानी के भी ले आई। दिखले वालों ना निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ जब बंबई गयल अपने सपना की रानी के खोजे खातिर, और सपना की रानी के लेके जब गाजीपुर पूर्वांचल में पहुंचल तो दुलही निरहुआ से कुछ कहलस, तो उनके याद है क्या कहले रहा, नई झुलनी के छैया बलन दुपहरिया बिताई लाए है। हम कहले कि तू चिंता मत करा, तू मुंबई से आई ले ना, तो के भोजपुरिया मरद के बारे में पता ना है, यही झुलनी के छैया गोरी, यही झूल, शांति से 2 मिनट खड़ा हो जा, सब तो के देख ले, कितना दिखेगा, शांत रहा, यही झूलनी के छैया गोरी हम जिंदगी बिताई देव हो, चार महीना गर्मी का दिनवा, और हमान के पास एगो मल्टीपर्पज चीज है, कौन चीज, 4 महीना गर्मी का दिनवा चूहे न देबे पसीनवा गोरी
तो है गमछा बेलाई देख ले ये गमछा हमारा मल्टीपर्पज काम करता है सर। हम मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, धूप में जब पसीना होता है तो गमछा से पोंछ लेते हैं और जब गर्मी होती है तो उसी से हवा भी कर लेते हैं। इतना मल्टीपर्पज गमछा है। आज सब लोग जानला कि गमछा अमन भोजपुरिया लोग काहे रखल जाला। चार महीना बरखा के दिनवा भीगे ना देबा बदनवा गोरी तो है गमछा ओढ़ाई ले बुहे। और दिल्ली में ठंडी ज्यादा पड़े ले, इधर भी लोग खड़े हैं, थोड़ा पीछे हट जाइए। दिल्ली में ठंडी ज्यादा पड़े ले ना तो दिल्ली वाला लोग खातिर के भी है कि चार महीना जाड़ा का दिनवा, अरे चार महीना जाड़ा का दिनवा कांपन देब बदनवा गोरी तो है कोरोब दब है। तो निरहुआ हिंदुस्तानी के गाना रहे जो हम तो लोग देखले रहला सुनले रहला। आइए सर आ गए। अब इनके जीतने के बाद तो लोग जब हम धन्यवाद करे खातिर आई तो लोग से वादा करे थी कि अगली बार अपने साथे सपना के रानी के भी लेके आई और तुम लोग जितना गाना सुने गए उतना गाना सुनाई हम, ठीक है ना। तो एक बार सबके हाथ उठा के ओपी शर्मा जी के आशीर्वाद देता, सबके हाथ उठे के चाहिए भैया, सब भैया बहनी का भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृपा और आभार। भैया प्यारे भाइयों, निरहुआ भैया ने कितना सुंदर गाना सुनाया भोजपुरी में, आप सब समझ गए होंगे। और हम सब ये आज यहाँ संकल्प ले रहे हैं कि अभिनंदन समारोह भी यही होगा और निरहुआ भैया अपनी रानी के साथ ही आएंगे। जोरदार तालियां बजाएं निरहुआ भैया के लिए। जीतने के बाद जश्न यहीं पर होगा, सब लोग